हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कैसे आप? गणपति स्थापना पर आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी धनराज जी। अरे हाँ, भाभी जी नमस्ते। आप और आपका परिवार अपना कीमती समय निकाल कर आए, उसके लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, बप्पा बुला और हम ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना? बहुत अच्छी गणपति है। ठीक कहा आपने। अरे आने बेटा। कोई बात नहीं कुमार साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे निकल गई होगी। अजी तुम कब मुझे डराना बंद करोगे? इस जन्म में तो मुश्किल है। बंदर कहीं के। और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? अरे वो। खैर छोड़ो अजय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ क्या, बताओ ना। वो मैं। चलो 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 चलो, उधर बहुत मजा आने वाला है। चलो ना, चलो 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 अंदर, चलो चलो गणपति बप्पा मोरिया। अभिजीत तुम क्यों
आ नहीं सकता क्या? अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछा, अचानक आ गया इसलिए। अरे लेकिन ये क्या हाल बना रखा यार तुमने, कल रात भर फोन करता रहा, फोन नहीं उठाया तुमने। यार अभिजीत, वो कल रात को तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए जल्दी सो गया। तुम बैठो, मैं कॉफी ले गया। नहीं नहीं नहीं, कॉफी कॉफी वॉफी छोड़ो, शक्ल देख के लगता है कि सारी रात सोए नहीं हो और मुझे बोले और जल्दी सो गया, क्या चक्कर है? अभिजीत यार, हाँ मैं कल रात सो नहीं पाया, ये श्रेया के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया हमसे कुछ छुपा रही है, कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। उस दिन हॉस्पिटल में वो काफी परेशान लग रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry sir, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यार परेशान तो है वो, और परेशानी के पीछे वजह भी है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी। अभिजीत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दया का कोई भी लेटर श्रेया को नहीं दोगे। मैंने पिछले साल सिद्धार्थ के पिता से एक बड़ी रकम उधार ली थी जो मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं जानता, और अगर श्रेया ने इस शादी से इनकार किया तो वो लोग सारे पैसे वापस मांग सकते हैं, जो मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ। श्रेया की माँ को हार्ट प्रॉब्लम है, तुम लोगों की जरा सी गलती हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। क्या वजह हो सकती है? वजह यार, अरे यार हम लोग सीआईडी वाले हैं, अगर पता लगाएंगे तो वजह का पता चल जाएगा। नहीं एक सोचो जरा, इसको एक केस की तरह लो, इन्वेस्टिगेट करो, क्या वजह है पता लगा लो। तुम्हें क्या लगता है अभिजीत के ये श्रेया किसी दबाव में है, प्रेशर में? एक्चुअली दया, वो हेलो, लड़की का किडनैप हुआ है, कहां से? सर अजय, मैंने आपको फोन किया था। तो आप ही की दोस्त किडनैप हुई? जी सर, वो गणपति का सेलिब्रेशन चल रहा था, काफी भीड़ थी, शोर भी बहुत था, उसी का फायदा उठा के वो लोग उसे उठा के ले गए। आपने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा? नहीं नहीं देख पाया सर, उनके चेहरे पे गुलाल लगा हुआ था। दिन दहाड़े दो लोग इतनी भीड़ में एक लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा? जरा आसपास पता करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। कोई फायदा नहीं, बस सबका यही कहना है कि ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, वो लोग आए यहाँ इस तरफ से और यहाँ से आन्या को अगवा करके इस तरफ ले गए, मतलब लिंक रोड की तरफ। वहां से आगे जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो किशनपुल बाजार की तरफ जाए या फिर किसी गली में घुस जाए। सर किशनपुल बाजार में जाने का खतरा तो शायद नहीं उठाएंगे वो लोग, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब इसका जवाब इन दुकानों के बाहर ये सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा। सचिन एक काम करो, तुम और पूर्वी आन्या के घर वालों से जाके बात करो, तब तक हम ये फुटेज निकलवाते हैं। सर सर, मेरी बेटी का कुछ पता चला? अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम उसे वापस ले आएंगे। आप लोगों ने उसे भीड़ से अलग जाते हुए देखा था? नहीं, क्योंकि सब लोग नाच रहे थे
और वहाँ पर शोर इतना ज्यादा था कि ना ही कुछ दिखा और ना ही कुछ सुना। वो तो जब हमने अजय को भागते हुए देखा तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, किडनैपर का कोई फोन वगैरह आया या कोई मैसेज पैसे वैसे मांगने के लिए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। किसी पर शक है आप लोगों को? किसका काम हो सकता है ये? देखिए, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, ना किसी से झगड़ा ना किसी से बैर। पर वो परेशान थी सर, पिछले कुछ दिनों से ना तो कुछ खा रही थी और ना पहले की तरह हंस बोल रही थी। आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि इस तरह का बर्ताव करने की वजह क्या है? पूछा था सर, पर उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, पर आज वो धनराज के साथ कुछ किसी बात में उनसे झगड़ रही थी। मैं दूर थी इसलिए कुछ सुन नहीं पाई। धनराज जी के साथ मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। अच्छा, ये आप लोग धनराज जी को कैसे जानते हैं? देखिए, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। इनफैक्ट ये गणपति पूजन के लिए उन्होंने हम सब लोगों को आज ही इनवाइट किया था। तो फिर तो धनराज जी से ही पूछना पड़ेगा कि वो अन्या से क्या बात कर रहे थे। सर सर प्लीज प्लीज सर, उन्हें मत बताइए, उन्हें बुरा लग जाएगा सर। उन्हें लगेगा हम उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको उनके बुरा मानने की चिंता है, मेरे बेटे की नहीं। आप लोगों को जो करना है, जिससे पूछताछ करनी है, कर लो ऑफिसर। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखिए आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अन्या को हम किसी भी हाल में वापस लेके आएंगे, किसी भी हाल में। पंकज, कुछ प्रोग्रेस? नहीं सर, अभी तक तो फुटेज में आनिया या उसके किडनैपर्स कोई भी नहीं दिखाई दिया। क्या कमाल है, ये सारे कैमरास तो ऐसे एंगल पे लगे थे जहाँ से पूरी रोड की रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई कोना नहीं बचता। सर शायद कोई कोना ऐसा बचा हो जिसे कैमरास कैद नहीं कर पाए हो। पंकज जरा पेपर और पेन देना, एक मिनट। ये देखो, ये है वो रोड और यहाँ पे लगे थे कैमरे जिसके फुटेज है हमारे पास, और वो किडनैपर्स आए थे सावंत रोड की तरफ से। सर अगर वो लोग सावंत रोड की तरफ से आएंगे तो मुमकिन ही नहीं है कि वो कैमरा एंगल से बचे। सर मुमकिन है, मुमकिन है पंकज, ये तब मुमकिन है जब वो यहाँ तक आए ही नहीं, उससे पहले यहाँ कहीं किसी गली में घुस गए, है ना? तो आसपास जितने भी गली है या मोहल्ले है वहां पे चल के पूछताछ करते हैं। चलो सर, प्रोजेक्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गुड, सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो। ओके सर। मिस्टर धनराज जी? सर वो रहे। थैंक यू मिस्टर धनराज जी। कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ सीआईडी का क्या काम है? हमें अन्या के बारे में कुछ बात करनी है। क्या जानना चाहते हैं आप अन्या के बारे में? अन्या की मम्मी ने बताया कि गायब होने से पहले उसकी और आपके बीच में कुछ बहस हुई थी। व्हाट? अन्या गायब है? जी हाँ। अब ऑफिसर्स, कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? अन्या मेरी बेटी जैसी है। तो फिर आप हमें ये बताइए कि आप दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हो रही थी। ऑफिसर्स, बहस हो ही नहीं रही थी, कुछ खास बातें हो रही थी। और वो खास बात क्या थी? वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बताना तो आपको पड़ेगा मिस्टर धनराज, आन्या गायब है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखिए मिस्टर धनराज, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आन्या तक पहुंच सकते हैं। वेल, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है और शहर में बड़ा कुछ होने वाला है। कैसा षड्यंत्र? क्या होने वाला है शहर में? ऑफिसर, वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि वहां शोर बहुत ज्यादा था,
मैंने उसे ये भी कहा कि हम बाद में बात करेंगे। सर मुझे तो लगता है ये धनराज हमसे झूठ बोल रहा है, वरना आप ही बताइए एक सीधी साधी लड़की को कैसे पता चला कि शहर में कोई बड़ी साजिश होने वाली है। इस सवाल का जवाब तो आन्या के घर से ही मिलेगा। वो किडनैपर आन्या को जरूर किसी गाड़ी में लेकर गए होंगे, मगर एक बात तो तय है, वो गाड़ी इन दुकानों के सामने कहीं पार्क नहीं की गई थी। हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज में हमें यहाँ से लेके वहां तक का एरिया दिख रहा है, मगर उसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। अजय के हिसाब से वो गुंडे आन्या को इस तरफ लेकर गए, हमारे पास इन दुकानों के सामने के फुटेज है, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है उन्होंने गाड़ी पार्क इन दुकानों के सामने की, क्योंकि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे चल के पूछताछ करते हैं। क्या कहा आपने, सड़क के बीचों बीच किडनैपिंग हुई और वो भी दीन दहाड़े? तो तुमने कुछ देखा नहीं? कैसे देखता सर, एक मूर्ख और मंदबुद्धि इंसान ने मेरी दुकान के ठीक सामने आकर एक बड़ी सी वैन जो पार्क कर दिया था। वैन? कौन सी रंग की वैन थी? नंबर देखा तुमने उसका? नंबर तो नहीं देखा सर, पर नीली कलर की वैन थी और उसका ड्राइवर बहुत ही बदतमीज आदमी था। मैंने उसे वैन हटाने के लिए कहा तो मेरे से गाली गलौज करने लगा। उस आदमी का चेहरा देखा तुमने? चेहरे पे गुलाल लगा था सर, पर मुझे ठीक से याद नहीं। सर हो सकता है वो ड्राइवर अपने साथियों का इंतजार कर रहा हो। सकता है। बाद में वो वैन किस तरफ गई? किशन पोल बाजार की तरफ। थैंक यू। एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं फुटेज में नीली वैन दिखती है क्या नहीं। आइए सर, ये है आन्या का कमरा। कमरा छान मारो अच्छे तरीके से। सर ये आन्या का मोबाइल फोन वो घर में ही छोड़ गई थी। काफी सारे लोग हैं आन्या की कॉन्टेक्ट लिस्ट में। जी सर, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसे नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक है। फ्रेंडशिप के काफी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये स्केच? ये आन्या ने बनाया है, उसे ड्राइंग का बहुत शौक है सर। मिस्टर धनराज बता रहे थे कि आन्या किसी पहचान वाले की वजह से परेशान थी। नहीं सर, मुझे आन्या ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। दिव्या। जी सर। इस फोन के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सब लोगों की डिटेल चाहिए मुझे। ओके सर। सो हाँ कब? सर ये एक पर्सनल डायरी मिली है। आपको इतराज ना हो तो हम ये डायरी। जी आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज की तारीख है, आज कोई खास दिन है क्या? आई मीन आन्या के किसी दोस्त का बर्थडे वगैरह? नहीं तो पर क्या लिखा है आज कुछ बड़ा होने वाला है। सर मानिक ये देखिए सर, इस शहर के कुछ आम जगहों की फोटो है, आन्या ने काफी संभाल के सेव करके रखा है। MI रोड, बापू नगर, तिलक नगर, कमाल है। मुंबई के किसी टूरिस्ट स्पॉट की फोटो नहीं है, आम जगहों की फोटो लगा रखी है। सर क्या खास है इन जगहों में, क्या होने वाला है यहाँ पे?
हाँ पूर्वी सही है, देखिए पैन। सर इन मुजरिमों ने गाड़ी के कांच पे काली फिल्म लगा दी है ताकि अंदर क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे सके। पूर्वी एक मिनट जरा इस ड्राइवर के चेहरे पे जूम करो। पूर्वी जरा देखो इस गाड़ी का नंबर दिखता है क्या? नहीं सर, वैन का नंबर नजर नहीं आ रहा। सर इस तरह की नीली वैन तो शहर में बहुत सारी होंगी, असली वैन को कैसे ढूंढें? ये नीली वैन जिस तरफ गई है वहां आसपास जरूर किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा, वहां पे पूछताछ करते हैं। चलो तो ये है वो गली जहां से नीली वैन ने एंट्री मारी थी। और सर ये गली सीधे क्वींस रोड की तरफ जाती है। हाँ, जो कि एकदम सुनसान इलाका है, मुजरिमों के लिए एकदम परफेक्ट। उन्हें पहले से पता था कि यहाँ कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वैन कहाँ पे पार्क करनी है, अन्या को कहाँ से किडनैप करना है और किडनैप करने के बाद किस तरफ जाना है। सुनो भाई साहब। हाँ साहब। कुछ देर पहले यहाँ से एक नीली वैन गई थी, कुछ याद है? नीले कलर की वैन? हाँ, उसके ड्राइवर के चेहरे पे शायद गुलाल लगा हुआ था। हाँ साहब, देखी तो थी लेकिन बहुत तेज गाड़ी चला रहा था साहब। अच्छा, नंबर प्लेट देखा था गाड़ी का? नंबर याद है उसका? गाड़ी का नंबर नहीं साहब। अच्छा, कोई खास बात उस वैन के बारे में कुछ याद है? साहब एक स्टिकर लगा हुआ था उसमें। कैसा स्टिकर? ऐसे वाले सर, और उसमें चार हील थे। कुछ लिखा हुआ था उसमें? सर स्टिकर में अब इतना तो नहीं देख पाया साहब। सर हो सकता किसी कंपनी का लोगो? हो सकता है, और ये लोगो ही हमें उस मुजरिम तक पहुंचाएगा। आप जी क्या अन्या ने शहर के अलग अलग गांवों की तस्वीरें ली है? मतलब उन जगहों पे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ ठीक है, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर देते हैं। ओके। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हाँ ये ड्राइवर भी कहाँ चला गया? हटो हटो, आ गया ये। क्या हुआ? गाड़ी बीच में क्यों रोक के रखी है? कुछ लोग ड्राइवर को जबरदस्ती उठा के लेके गए। समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक लोग गायब होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे शहर? सो पिछले 3 घंटे में 90 लोगों के गायब होने की खबर आ चुकी है। वही तो, 3 घंटों में 90 लोग गायब, 90 लोग। सर लगता है शहर के सारे किडनैपर्स एक साथ जाग उठे। नहीं फ्रेडी, ये बहुत सारे लोगों का काम नहीं है, बहुत सारे किडनैपर्स नहीं है, ये जरूर एक ही गैंग है, एक ही गैंग जिनका लीडर बड़ा खतरनाक और बड़ा चालाक है। पर सर अभी तक किसी के भी घर पे फिरौती की मांग के लिए कोई फोन नहीं किया है, तो फिर इन किडनैपर्स का क्या मकसद हो सकता है? पता लगाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये किडनैपिंग किए जा रहे हैं और किन किन लोगों को, किस तरह के लोगों को किडनैप किए जा रहे हैं। कोई खास बात है इन लोगों में जिनकी किडनैपिंग हुई है? नहीं सर अभी तक तो कोई खास कॉमन बात सामने आई नहीं है। और फिर ये सारी किडनैपिंग तो पब्लिक प्लेसेस में हुई है जहाँ पर लोगों की बहुत सारी चहल पहल होती है, घर पर से तो कोई किडनैप नहीं हुआ है? नहीं सर, सड़क पार्क शॉपिंग मॉल की पार्किंग लॉट्स में से हुई है किडनैपिंग सर। एक मिनट, अन्या के लैपटॉप पर से हमें कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं ना? यस सर। चलो देखते हैं।
सर ये देखिए ये फोटोग्राफ्स। सर इन्हीं जगहों पे तो हुई है किडनैपिंग्स। मतलब सर अन्या को पहले से पता था इन किडनैपिंग्स के बारे में। बेटी अन्या को किडनैपर्स का राज पता चल गया था, जरूर से ये भी पता चल गया था कि किडनैपिंग के पीछे मकसद क्या है उनका। एक काम करते हैं, अन्या के घर वालों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, सभी से जाकर मिलते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। हेलो, क्या लोपो डांस अकेडमी? ठीक है सर। सर उस नीली वैन पे जो लोगो है वो किसी लोपो डांस अकेडमी का है। लोपो डांस अकेडमी? लोपो डांस अकेडमी। अच्छा गर्ल्स, डांस कंपटीशन अगले महीने की 10 तारीख से है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मन लगाकर प्रैक्टिस करो। जी मैम, हम मन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ऋषि जी, मैं आज से दिन में 2 बार प्रैक्टिस क्लासेस लूंगी, तुम तैयारी करो और नोटिस लगा दो। यस मैम। आप लोग कौन है और यहाँ कैसे? मैम हम CID से हैं। CID? स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं 5 बजे और कोई लेट मत होना। जी मैम। आप लोग वो नीली वैन के सिलसिले में आए हैं ना? आपको कैसे पता? सर मैंने ही रिपोर्ट लिखवाई थी चोरी की। वो वैन्स कहाँ हैं? आपके कहने का मतलब है एक से ज्यादा वैन की चोरी हुई? हाँ सर, हमारी अकेडमी की 5 वैन्स चोरी हुई है। ये वाली वैन आपकी है क्या? हाँ सर, ये हमारी वैन है। कहाँ है ये वैन? उसका पता लगा रहे हैं तो। लेकिन आपकी वैन से किडनैपिंग की गई है। क्या किडनैपिंग? जी हाँ, तो बाकी की किडनैपिंग भी चोरी की गई गाड़ियों से की गई होगी। दिव्या जरा पता लगाओ शहर में हाल फिलहाल में कितने रिपोर्ट लिखाई गई हैं चोरी की गाड़ियों की। कितने दिन पहले हुई थी चोरी? सर 5 दिन पहले, 5 अलग अलग जगहों से। एक ही दिन में 5 वैन की चोरी होना ये कोई संयोग नहीं है, जरूर कोई अंदर वाला आदमी मिला हुआ है। कोई ड्राइवर छुट्टी पे है क्या आपका? ड्राइवर तो नहीं, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर मिस्टर उदित, वो 4 दिन से छुट्टी पर है, उन्हें वायरल फीवर है। कोई बात नहीं, उनका वायरल तो CID उतारेगी। आप जरा उनका एड्रेस और नंबर दीजिए। जी सर। सर उदित का फोन यहाँ से दाएं नारोली नगर की तरफ मुड़ा है। नारोली नगर? कामिन यहाँ से ले लो शॉर्टकट में। यस सर। सर कर्सर इस गेट के सामने रुका हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे? हाँ सर। ये तो वेयर हाउस जैसा कुछ लग रहा है।
मारो उसको। अजय तुम भी मिले हो मुजरिमों के साथ हैं? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर मैं तो यहाँ आन्या को ढूंढने आया था। अच्छा बहाना है, पहले खुद आन्या को किडनैप किया, फिर सीआईडी को फोन करके बुलाया ताकि कोई तुम पर शक ना करे। सर आन्या ने धनराज को कहा था कि सब में किसी जान पहचान वाले का हाथ है। अरे ऐसा नहीं है सर, सर ऐसा नहीं, मेरे यकीन कीजिए, मैं यहाँ आन्या को बचाने आया था। सर वो वहां से निकल गया सर। ठीक है, तलाशी लो उस जगह की। तो मिस्टर अजय, अब आप बताएंगे कि किडनैपर्स उन लोगों को कहां लेके गए? सर आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं सर? जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है। सर सही घड़ी मिली है। टूटी हुई है, लगता हाथापाई में गिर गई होगी। 2 घंटे पहले का टाइम सेट है, मतलब कम से कम 2 घंटे हो गए हैं उन लोगों को यहां से निकले हुए। हो सकता है सर। सर काफी लोगों को सामान मिला है लेकिन कोई बंदी या हॉस्टेज नहीं मिला। सच यहां बताओगे या ब्यूरो में चल के? सर मैंने आपको सच सच बता दिया कि मैं यहाँ आन्या को बचाने आया था। सर आन्या को बचाने आया था मैं यहाँ पे। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें कैसे मालूम कि आन्या यहाँ पे है? सर क्योंकि जिन लोगों ने आन्या को किडनैप किया उन्हीं लोगों ने मेरी बहन रोनिता को भी किडनैप किया था। तुम्हारी बहन रोनिता की किडनैपिंग कब? 3 साल पहले। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रोनिता के किडनैपर्स और आन्या के किडनैपर्स एक ही हैं? उस दिन रात को मेरी आंखों के सामने ही। कौन? ये आवाज कैसी? कोई चोर तो नहीं आ गया? आदमी ने मुझ पर वार किया था उसने भी वही अंगूठी पहनी थी सर जैसे कि आन्या के किडनैपर ने। अब ये कोई सहयोग की बात तो नहीं? तो ऐसा ही डिजाइन है जैसा आन्या के घर पे मिला था। यही डिजाइन था सर। यही डिजाइन था सर। ये बात तुमने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताई जब आन्या की किडनैपिंग हुई थी? मेरे ध्यान में नहीं आया था सर, बाद में मुझे याद आया और मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे जब याद आया तब बता देते ना। क्या होता सर? बताइए ना क्या होता। कानून अब तक ना तो आन्या को ढूंढ पाया और ना ही मेरी बहन रोनिता को, इसलिए मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी करना है बस अब मुझे करना है। अगर ये बात तुम हमें पहले बता देते तो शायद उन मासूम लोगों को हम यही बचा लेते। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि किडनैपर्स ने उन लोगों को यहाँ पे रखा है? सर उस गणपति के दिन मैंने अन्य के पुराने ड्राइवर रमेश को वहां पे देखा और तभी मेरा माथा थका कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। किसी तरह से मैंने उसका पता ढूंढ निकाला सर और मैं उसको चाल पहुंच गया। अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये रमेश कहाँ रहता है? अरे भैया यहाँ तो बहुत सारे रमेश हैं, तुमको कौन सा रमेश चाहिए? वो ड्राइवर का काम करता है। ड्राइवर है?
वो पतला सा, लंबा सा, बांस जैसा? हाँ शायद वैसा ही। बोरा रमेश, रमेश दो साहब, मुझे जाने दो साहब। अन्या कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। अन्या कहाँ है? कुछ नहीं पता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। तो भाग क्यों रहा था? माफ कर दो साहब, मुझे कुछ लोगों ने अन्या की सारी जानकारी बताने के लिए कहा था साहब। साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाँ? मैं नहीं जानता साहब। कौन है वो लोग? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। कितने पैसों के लिए अपना जमीर बेचा? पैसों के लिए नहीं साहब, उन्होंने कहा था अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कहाँ रखा है अन्य को? कहाँ रखा है सर? तो अब हम किडनैपर्स तक पहुंचेंगे कैसे? उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो अंगूठी वाला डिजाइन जिसका स्केच अन्य ने अपने कमरे में लगा रखा है। पता नहीं सर, पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। मैम आप चिंता मत कीजिए, आन्या के बारे में जैसे ही पता चलता है हमको इन्फॉर्म कर देंगे। अंगूठी पर भी वही डिजाइन और यहाँ स्केच पर भी वही डिजाइन, मतलब आन्या अपनी किडनैपिंग से पहले इस डिजाइन के बारे में जानती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आन्या किडनैपर्स को भी पहले से जानती हो या कहीं मिली हो, और शायद इसीलिए उन किडनैपर्स ने आन्या को किडनैप कर लिया? हो सकता है, कुछ खास संबंध तो है इस डिजाइन का किडनैपर्स के साथ। मतलब सर आन्या इस डिजाइन से कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या हो सकता है सर? अपने डेटाबेस पे जरा चेक करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। एक मिनट, क्या लिखा है पीछे? कार्टर स्ट्रीट कोलनी मोपा। सर कहीं कार्टर स्ट्रीट पे कुछ होने तो नहीं वाला है? हो सकता है, कोलनी मोपा ये तो किसी कैफे रेस्टोरेंट या बार का नाम लगता है। कार्टर स्ट्रीट कोलनी मोपा। सर कार्टर स्ट्रीट पे जितने भी रेस्टोरेंट्स कॉफी शॉप वगैरह हैं सबको चेक कर लिया, किसी भी जगह का नाम कोलनी मोपा नहीं। कोलनी मोपा, कोलनी मोपा ये शब्द, ये नाम कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये जरूर कोई कोड है, कोई ऐसा कोड जो हमें किसी आदमी तक किसी जगह तक पहुंचाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इस कोलनी मोपा का कार्टर स्ट्रीट के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है संबंध। हेलो सर। आ जाए सर, अन्या या रोनिता का कुछ पता चला? नहीं, अन्या या रोनिता दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला अब तक। सर अब एक बात हैरान कर देने वाली है, 3 साल पुरानी किडनैपिंग का संबंध इन सब किडनैपिंग से कैसे? एक बात बताओ, क्या रोनिता का किसी के साथ कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, जहां तक मुझे याद है उसका किसी के साथ झगड़ा नहीं था। सर मैं रोनिता के 3 दोस्तों से बात करके आ रहा हूं, हितेन, युक्ति और लावण्या। सर तीनों ने कहा कि रोनिता की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अजय, किडनैपिंग से पहले क्या रोनिता किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं, वैसे कोई खास परेशान नहीं रहती थी। हाँ, जब से उसने वो नई नौकरी पकड़ ली थी काफी तनाव में रहती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो 2-3 दिन बाद घर पे आई है। अच्छा, नई नौकरी कहाँ पर लगी थी? नई नौकरी
गाइड्स कॉर्पोरेशन नाम की एक फाइनेंस कंपनी में। गाइड्स कॉर्पोरेशन, देखना जतिन, बहुत जल्द ये साइट बहुत ही हाई प्रोफाइल साइट होने वाली है शहर की। शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन अपना ऑफिस यहाँ खोलना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो सर। अच्छा जतिन, एक काम करो, इन इंजीनियर से जल्दी से इस साइट का सर्वे करवा लो। एक्सक्यूज मी, ये काइट्स कॉर्पोरेशन का ऑफिस यही है? जी नहीं। नहीं है? लेकिन एड्रेस सही दिया है, ये देखिए। एड्रेस तो सही है, मगर ये मेट्रो यूटिलिटीज कॉर्पोरेशन है, काइट्स कॉर्पोरेशन नहीं। हुआ करता था 2 साल पहले, अब नहीं। आप? मैं यहाँ का मालिक हूँ। 2 साल पहले मैंने ये जगह काइट्स कॉर्पोरेशन को भाड़े पे दिया था, वो भी पूरे 5 साल के लिए। लेकिन अचानक वो लोग एक दिन अपना बुरिया बिस्तर बांधकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? आपने जगह किराए पे दी थी तो कंपनी के पेपर्स, बैंक गारंटी कुछ तो होगा ना आपके पास? सारे पेपर नकली थे, काइट्स कॉर्पोरेशन नाम की कोई कंपनी नहीं थी। 420 थे वो लोग, एक नंबर के धोखेबाज। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? सर पूछिए आपको जो पूछना है। ये कितने लोग काम करते होंगे उस कॉर्पोरेशन में, आपको मालूम? सर यही कोई 30 लोग काम करते थे। और सर इनका काम करने का समय भी बड़ा अजीब था। जब सारी कंपनियों की ऑफिसेज बंद होती थी तो इनकी ऑफिस शुरू होती थी। बड़े अजीब थे ये लोग। याद करने की कोशिश कीजिए कि इन 30 लोगों में से कोई रोनिता नाम की थी काम करने वाली। नहीं सर याद तो नहीं आ रहा है, काफी समय हो गया है। ये फोटो देखिए, ये है रोनिता। इसको देखा था आप लोगों ने? नहीं सर, 1 साल से ज्यादा हो गया इसलिए चेहरा याद नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। सर लगता है रोनिता दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी के इस पहलू के बारे में उसके परिवार वाले भी नहीं जानते थे। इससे पहले ये काइट कॉर्पोरेशन कोई और धोखेबाजी करे, जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा। ए ला फटाफट धक्का मार के लाना। बेटा इसके बाल निकाल दे। ए, इधर सब सही तरीके से खड़े रहना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.